वेलकम टू डॉक्टर शाइंदास कॉमर्स क्लासेस। मैनेजमेंट एस एन आर्ट, प्रबंध एक कला के रूप में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस मैनेजमेंट एन आर्ट क्या प्रबंध एक कला है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आर्ट क्या है और इसके क्या फीचर्स हैं। इसके बाद आर्ट के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों कितने सेम हैं और कितने डिफरेंट हैं। इफ़ आर्ट के फीचर्स और मैनेजमेंट के फीचर दोनों सेम होंगे तो डेफिनेटली मैनेजमेंट को एज एन आर्ट के रूप में मान सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आर्ट्स के बारे में जानते हैं। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। यानी आर्ट को सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। आर्ट में परफेक्शन पाने के लिए स्किल यानी कौशल, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता और प्रैक्टिस यानी अभ्यास की जरूरत होती है। आर्ट के मीनिंग को समझने के बाद इसके फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर से कंपेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फीचर से, प्रैक्टिकल नॉलेज यानी व्यवहारिक ज्ञान का होना। एवरी आर्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्लूड होती है, इसलिए थ्योरी को सीखना ही सुफिशेंट नहीं होता, बल्कि इन थ्योरेटिकल प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल यूज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिकल नॉलेज का यूज़ किया जाता है। अ मैनेजर कैन नेवर बी सक्सेसफुल जस्ट बाय ऑब्टेनिंग डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। उसे अपने वर्क में सक्सेस पाने के लिए ये पता होना चाहिए कि रियल सिचुएशन में वेरियस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है। यानी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल नॉलेज का होना जरूरी होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज पर्सनल स्किल यानी व्यक्तिगत कौशल। ऑल्दो थ्योरेटिकल बेस मे बी सेम फॉर एवरी आर्टिस्ट बट ईच वन हिज ओन स्टाइल। हर आर्टिस्ट की वर्क करने की अपनी एक स्टाइल होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेवरल क्वालिफाइड पेंटर्स हैं बट एम एफ हुसैन अपनी स्टाइल के लिए पहचाने जाते हैं। इसी तरह मैनेजमेंट में भी एवरी मैनेजर के पास अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और पर्सनालिटी होती है। इनके आधार पर वो मैनेजमेंट का वर्क करते हैं। बट एक मैनेजर जितना ज़्यादा वर्क करेगा, जितना ही ज़्यादा उसे एक्सपीरियंस होगा, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि उसके डिसीजन कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़िया होगी। That is why some managers are known as good managers like Aditya Birla, Ambani, etc. whereas others as bad. The next point is creativity यानी रचनात्मकता। Every artist has an element of creativity in line. That is why he aims at producing something that has never existed before. यानी एवरी आर्टिस्ट कुछ ऐसा प्रोड्यूस करना चाहता है जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था, जिसके लिए इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो क्रिएटिव इन नेचर लाइक एनी अदर आर्ट। मैनेजमेंट में भी मैनेजर अपने एम को अचीव करने के लिए ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज, जिसे मैनेजमेंट में 5M के नाम से जाना जाता है, का बेटर यूज़ करते हैं। मैनेजर जितना ज़्यादा क्रिएटिव वर्क करेगा, उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन करेगा। द फोर्थ पॉइंट इज परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस यानी अभ्यास के माध्यम से पूर्णता। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एवरी आर्टिस्ट बिकम्स मोर एंड मोर प्रोफिशिएंट थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी मैनेजर अपने एक्सपीरियंस से गलतियों को सुधार कर न्यू टेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल का यूज़ करके अपने वर्क में परफेक्ट हो सकते हैं। द लास्ट पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुख। एवरी आर्ट इज गोल ओरिएंटेड एज इट सीक्स टू अचीव कॉन्क्रीट रिजल्ट। इन द सेम मैनर
मैनेजमेंट भी गोल ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट में ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज लाइक मैन, मनी, मशीन, मटेरियल और मेथड का बेटर यूज करते हुए प्लानिंग से लेकर कंट्रोल तक के फंक्शन किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। मैरी पार्कर फॉलेट वेरी वेल सेड, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। इस प्रकार हमने देखा कि आर्ट के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में भी पाए जाते हैं। सो वी कैन से मैनेजमेंट एज एन आर्ट। I hope you like my video. Still you have any queries or suggestion, do message me in comment box. Thanks for watching my video and please do subscribe my channel.